गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सबको नमस्कार। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे नॉर गेट जो होता है वो एक यूनिवर्सल गेट कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने अपने लास्ट लेक्चर में नैंड गेट को एक यूनिवर्सल गेट बताया था कि हम कैसे नैंड गेट से दूसरे गेट्स को निकाल सकते हैं और कैसे हम दूसरे गेट्स के फंक्शंस को नैंड गेट में से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों कि यूनिवर्सल गेट्स जो है दो टाइप्स के होते हैं, एक नैंड गेट होता है और एक नॉर गेट होता है। नैंड गेट को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और नॉर गेट को मैं आज आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि नॉर गेट से हम कैसे दूसरे गेट्स को निकाल सकते हैं। व्हाई द नॉर गेट इज आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, नॉर गेट जो है, सबसे पहले तो मैं नॉर गेट का आपको आइडिया बता दूं कि नॉर गेट हमारे पास क्या होता था। नॉर गेट का रिप्रेजेंटेशन बच्चों हमारे पास कुछ इस तरीके का होता था। इस तरीके से हम नॉर गेट को रिप्रेजेंट करते थे। ये हमारे पास एक नॉर गेट होता था जिसके दो इनपुट्स होते थे और इसका जो आउटपुट होता था दैट वाज ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। और बच्चों ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है और ये हमारे पास नॉर गेट है। अब बच्चों देखिए, इसका जो है ट्रुथ टेबल भी मैं यहां पर बना दूंगा। ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट। इस ट्रुथ टेबल से हमें बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। यहां पर मैं लिखूंगा ए, यहां पर मैं लिखूंगा बी और यहां पर मैं लिखने वाला हूं वाई, क्योंकि ये आउटपुट वाई है, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। और हम इसके बारे में जानते हैं, चार अरेंजमेंट्स होंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1, और आंसर से भी आप रूबरू है। आंसर हमारे पास आएगा 1 और इसके लिए आ जाएगा 0 0 0। देखिए बच्चों कैसे आता है 1 0 0 0। यहां पर 0 प्लस 0 1 आता, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता, 0 प्लस 0 0 आता, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आता है। 0 प्लस 1 1 आता, उसका कॉम्प्लीमेंट 0 आता है। यहां पर भी 1 आता है, कॉम्प्लीमेंट 0, 1 आता है, कॉम्प्लीमेंट 0। तो बच्चों ये हमें बहुत मदद देगी। जिस तरीके से हमने नैंड गेट में से दूसरे गेट्स निकाले थे, उसी तरीके से हम इसमें से दूसरे गेट्स को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला गेट जो हम निकालेंगे इसमें से, नॉट गेट को निकालेंगे। नॉट गेट, अभी नॉट गेट कैसे निकलेगा बच्चों, याद कीजिएगा, जिस तरीके से हमने नैंड में से नॉट को निकाला था, ठीक उसी तरीके से हम यहां पर नॉर में से नॉट को निकालेंगे। अब दोबारा से हमारे दिमाग में एक बात घूम रही होगी कि नॉट गेट के लिए एक इनपुट चाहिए। तो बच्चों हम यहां पर भी एक इनपुट लेंगे, लेकिन उस एक इनपुट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उस एक इनपुट के ही कितने इनपुट्स बना देंगे, दो इनपुट्स बना देंगे और उसको हम अपने नॉर गेट के साथ जोड़ देंगे। तो देखिए बच्चों, यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मेनली एक इनपुट ले लेता हूं और इसको क्या कर देता हूं, इसको दो पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पर एक नॉर गेट ड्रॉ कर देता हूं। तो बच्चों ये जो अरेंजमेंट हमारे पास होगी, ये अरेंजमेंट होगी हमारे पास किसकी, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ नॉट गेट फ्रॉम द नॉर गेट। मतलब ये नॉट गेट की तरह एक्ट करेगा, लेकिन आप ऐसे तो मानेंगे नहीं, हमें इसको दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये चीज सच में नॉट की तरह एक्ट करती है। अब देखिए बच्चों, ठीक उसी तरीके से मैं यहां पर एक नॉट गेट डालता हूं। रियलिटी में नॉट गेट ये है ए और यहां पर वाई इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या करूंगा, नॉट गेट का जो ट्रुथ टेबल है वाई, और देखिए बच्चों 0 1 1 0 होता है, मतलब ये दो के दो कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए कि 0 पे क्या आ जाए, 1 आ जाए, और 1 पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए बच्चों, यहां से मैं क्या करूंगा, उसी तरीके से अगर इसको ए मान रहा हूं और इसको पी मान रहा हूं, इसको क्यू मान रहा हूं, मतलब ए को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया P और Q में, और इसको मैं Y मानता हूं। अब देखना चाहता हूं कि अगर मैं 0 डालूंगा, मतलब यहां से 0 डालूंगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे 1 मिलना चाहिए यहां पर। अब चेक करते हैं, देखिए बच्चों, ये 0 अगर यहां से डाला, यहां पर भी 0 जाएगा, यहां पर भी 0 जाएगा। तो बच्चों देखिए, 0 और 0 का जो मेरे पास नॉर गेट है, उसका आउटपुट किसके बराबर होगा,
जीरो और जीरो का नॉर गेट में आउटपुट आता है बच्चों वन के बराबर। इसका मतलब यहां पर तय है कि हमारे पास वन आएगा। तो बोलिए बच्चों, जीरो से हम किसके पास पहुंच गए, जीरो से हम वन के पास पहुंच गए। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये वाली कंडीशन हमने पा ली। और दूसरी वाली कंडीशन कौन सी है, वन पर हमें जीरो आना चाहिए। अब बच्चों इस जीरो के बदले अगर मैं यहां पर क्या डाल दूं बच्चों, वन डाल दूं, तो यहां पर जीरो के बदले क्या आ जाएगा, यहां पर भी वन आ जाएगा और यहां पर भी वन आ जाएगा। मैं ऊपर वाले को मिटाना नहीं चाहूंगा, देख रहा हूं वन वन कर रहा हूं बच्चों। तो देखिये वन और वन पे क्या आता है, वन और वन पे, जीरो और जीरो पे तो वन था, वन और वन पे क्या आ रहा है बच्चों, यहां पे जीरो आ जाएगा। तो बोलिए बच्चों ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमें कोई बोले कि नॉर गेट से आप नॉट गेट बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे हम जो है एक ही इनपुट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दो में, और आगे एक नॉट गेट लगा के अरेंजमेंट बता देंगे कि इट्स अ नॉट गेट हियर, ये नॉर गेट, नॉर गेट एक्ट्स एज अ, एज अ नॉट गेट। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक दूसरी कंडीशन आएगी। अब आएगा हमारे पास दूसरा गेट जो है, जिसको हम बोलते हैं और गेट। और गेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बोलता हूं। उसके लिए मैं ये नैंड गेट वैसे का वैसा रखा हुआ है, ट्रू टेबल वैसे रखा। अब नॉट के बल्ले कौन सा डालूंगा, मैं यहां पर और गेट को निकालने की कोशिश करूंगा कि और गेट कैसे निकलता है। अब बोलिए बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे पास जो नॉर गेट है, नॉर गेट का मतलब है कि हम क्या करेंगे, नॉर गेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ और गेट। मतलब और की जो आउटपुट्स होंगी उसके एंटी कौन बोलेगा, नॉर बोलेगा। तो अगर नॉर का उल्टा और है, तो और का उल्टा कौन सा हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम और को नॉट के साथ जोड़े तो नॉर बनता है। अगर हम नॉट को और लगा दे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दोबारा से और के पास हम पहुंच जाएंगे। इसका मतलब मैं यहां पर क्या कर दूंगा, और गेट निकालूंगा। वो कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए सबसे पहले तो मैं यहां पर एक नॉर गेट बना देता हूं। ये मेरे पास नॉर गेट है। अब इसकी आउट इनपुट्स है ए और बी, और यहां पर किसके साथ जोड़ूंगा इसको, इसको जोड़ूंगा एक नॉट गेट के साथ। पर कौन सा नॉट गेट, जो हमने अभी अभी बनाया है, जो नॉर से ही बना हुआ नॉट गेट हो। तो देखिए बच्चों वो इस तरीके से बनाया था अभी हमने, इस तरीके से। इसका मतलब अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास और गेट बन चुका है, लेकिन हम चेक करेंगे कि अब और गेट का हमारे पास ट्रुथ टेबल क्या होता है। ए बी एंड वाई, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, दिस इज द लॉजिक योर ट्रुथ टेबल फॉर आर गेट। जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन, जीरो वन वन वन, ये आर गेट का ट्रुथ टेबल है। तो अब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, अगर आप जीरो जीरो डालेंगे तो ये जीरो आना चाहिए। यहां पर भी जीरो रखते हैं, यहां पर भी जीरो रखते हैं। बोले बच्चों जीरो और जीरो को अगर हम किसके साथ, नॉर से करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा। देखिए जीरो और जीरो का नॉर क्या आता है, वन। इसका मतलब यहां पर हमारे पास वन आ जाएगा। अगर यहां पर वन आ गया, ये भी वन और ये भी वन। अब बोले वन और वन का क्या आएगा, वन और वन का नॉर क्या आता है, वन और वन का नॉर आता है जीरो। तो बोले बच्चों जीरो और जीरो से जीरो के पास पहुंच के यस हमारा केस कंप्लीट हो गया। अगर हमने ये केस कर दिया है बच्चों, अब दूसरा केस है जीरो और वन पे जीरो आना चाहिए। जीरो तो ठीक है, यहां पर वन डालूंगा। और अब देखिए जीरो और वन नॉर, जीरो और वन नॉर पर जीरो आता है। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो। और यहां पर जीरो आएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा बच्चों, जीरो एंड जीरो। जीरो जीरो पे दोबारा नॉर क्या आता है बच्चों, वन। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, वन। देखिए बच्चों जीरो और वन पे फाइनली क्या आ गया बच्चों, वन। जीरो वन पे फाइनली वन आ गया। तो हमारे पास प्रूव हो गया। अब तीसरा वाला है वन और जीरो। यहां पर अब जीरो नहीं, बल्कि यहां पर वन रखेंगे, यहां पर जीरो रखेंगे। अब देखेंगे वन और जीरो से क्या होता है। वन और जीरो पर हमारे पास जीरो आता है, यही होगा। और साथ में जीरो और जीरो के दोबारा से वन आता है, हमने ये भी प्रूव कर दिया। अब लास्ट केस है हमारे पास वन और वन। देखिए बच्चों यहां पर भी अगर वन और वन करूंगा, वन और वन नॉर से क्या करते हैं, वन और वन नॉर से यहां पर जीरो आएगा, सेम वन आ जाएगा। ये देखिए, इसका मतलब रियलिटी में ये जो कॉम्बिनेशन बन चुका है, ये कौन सा बन चुका है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट्स। और गेट, सॉरी, और गेट कहां से बना बच्चों, और गेट बनाया हमने नॉर गेट्स का इस्तेमाल करके। अब देखिए, अब हमारे पास थर्ड वन है, थर्ड हमारे पास है एंड गेट।
तो अब हम एंड गेट को निकालेंगे। एंड गेट को कैसे निकाला जाता है, थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे हम किसको, जब हमने नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट बनाया था तो कैसे किया था। बोलिए बच्चों ये तो वैसे ही रखना पड़ेगा। अब यहां पर एंड गेट की बात करूंगा, यहां पर डालूंगा एंड गेट को कैसे बनाया जाता है। तो वहां पर भी हमने दो नॉट और एक नैंड का इस्तेमाल किया था, पर कौन से नॉट, जो नैंड से ही बने हुए थे। तो यहां पर भी क्या करेंगे, दो नॉट्स पर कौन से वाले नॉट्स, जो नॉट से बने हुए और एक नॉर वाला गेट। तो देखिए बच्चों सिंपल उसी तरीके से, यहां से मैंने ये ले लिया, ये एक नॉर नॉट एक्सेडम नॉर, मतलब नॉर एक्सेडम नॉट, और यहां पर भी नॉट नॉट एक्सेजा नॉट, मतलब नॉर एक्सेजा नॉट सॉरी, यहां पर ए यहां पर बी, और इनके आउटपुट्स को किसके साथ जोड़ देंगे, इनके आउटपुट्स को हम जोड़ देंगे नॉर के साथ। तो मतलब नॉर ही गेट से हमारे पास, पर बना क्या है बच्चों, ये बना है हमारे पास एंड गेट। अब देखते हैं कि एंड गेट के आपको ट्रू टेबल मालूम होनी चाहिए, ए बी और यहां पर y इक्वल्स टू ए डॉट बी, ये एंड गेट होता है, जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन। बोले बच्चों इसका आउटपुट क्या आता है, इसका आउटपुट आता है जीरो 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 वन। अब इस पे क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जीरो जीरो डालेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, जीरो, मतलब यहां पर जीरो डालेंगे, यहां पर जीरो डालेंगे। बोले ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो ये बच्चों नॉट है, ये गेट ही नॉट बना रहा है, तो जीरो का क्या बना के देगा बच्चों हमें, ये वन बना के देगा, ये जीरो का क्या बना के देगा, वन। अब वन और वन का हम नॉर गेट देखेंगे, वन और वन का जीरो। तो बोले बच्चों जीरो और जीरो पे जीरो प्रूफ हो गया, मतलब जीरो एंड जीरो पे हमें जीरो ही मिल रहा है। अब उसी तरीके से जीरो और वन की बात करेंगे, जीरो यहां पर क्या कर दूंगा बच्चों, मैं वन डाल दूंगा। देखिए अगर वन डालूंगा जीरो के लिए तो यहां तक सेम ही आएगा, पर वन के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, ये भी आपके पास वन बनेगा वन, और ये क्या हो जाएगा जीरो, यहां पर भी जीरो। वन और जीरो का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, यहां पर जीरो आता है। तो बोले बच्चों ये भी हो गया। इसी तरीके से आप इन चार के चार केसेस को देखेंगे तो यस ये डेफिनेटली वैसे ही बनेंगे। तो बच्चों इसको एक्सप्लेन करना आप लास्ट वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिसमें मैंने नैंड गेट से आपके क्या गेट्स बना के दिए हैं, बेसिक गेट्स को बना के दिया है। लेकिन यहां पर अगर ये गेट बना दिए तो हम बोल सकते हैं कि नॉर गेट से हम नैंड भी बना सकते हैं बच्चों। जैसे हम नैंड से नॉर बना सकते हैं, वैसे हम नैंड जो नॉर से नैंड को भी बना सकते हैं, इसीलिए तो ये यूनिवर्सल कहलाते हैं। अब बोले बच्चों कैसे हो सकता है ये, हम जानते हैं कि ये एंड गेट है। मैंने बोला था एंड गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट, मतलब अगर एंड को नॉट लगा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, नैंड बन जाएगा। अगर मैं इसको अब नैंड बनाना चाहूं, इसको नैंड बनाना चाहूं, तो ये नैंड अभी नहीं, ये अभी एंड है। अब इसको फॉलो किससे करना पड़ेगा बच्चों, बोलिए, इसके सामने ही क्या लगाना पड़ेगा, शाबाश, इसके सामने एक नॉट लगाना पड़ेगा। पर कैसा नॉट लगाना पड़ेगा, जो नॉट किससे मिलके बना हुआ है, नॉर का ही बना हुआ नॉट है। मतलब इसको ऐसे लेके जाएंगे, ये लीजिए, और यहां पे एक और नॉट लगा दिया, दिस विल बिकम द नैंड गेट नाउ। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको लास्ट की लेक्चर और आज की लेक्चर में नैंड और नॉर गेट से आपको बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स को करवाना सिखा दिया। अब मेरे पास जो है नॉर और नैंड गेट्स जो है, इनमें से मैं एक्सक्लूसिव गेट्स को दिखाना सिखाऊंगा आपको, और वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बोलूंगा। तो बच्चों एक्सपेक्टिंग कि आपको समझ आ रहा है, अगर समझ आ रहा है तो सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।